नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैं पहले इंट्रो वीडियो में आपको बता चुका था कि हमारा एक सीरीज आएगा जो प्रीलिम्स पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में, मेंस के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में, सभी पेपरों के। आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए ये प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट पेपर का प्रथम फर्स्ट पार्ट है, जो जिसमें हम पूरा डिटेल देखेंगे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, जो प्रीलिम्स 2021-2022 के जो प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं, और जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है पूरा डिटेल देखेंगे। और इसमें पूरा जीएस फर्स्ट पेपर में 7 सेक्शन है जो यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन इसका एलिब्रेट नहीं किया है, इसका डिस्क्राइब नहीं किया है। आज इसको, ये पूरे 7 पार्ट को मैं पूरा एक एक पार्ट लेकर डिस्क्राइब करूँगा। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये पूरे जो सिलेबस मैं बनाया हूँ, और यदि आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स 2021-2022 के लिए 100% आप क्वालिफाई करेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज और 23 सालों का अनुभव के हिसाब से मैंने इसको एलाब्रेट किया हूँ हर पार्ट को। देखिए, पहला जो है इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, इतने से आपका काम नहीं चलने वाला, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इतने से आप समझ नहीं पाएंगे हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई में पढ़ना है। और यदि आपको इस पूरी एलाब्रेट नहीं किया है, इस डिस्क्राइब नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है यूपीएससी ने सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमारा एक ही एजुम होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं 10 साल 20 साल, जो आपको जितने से आइडिया लगा सके, फिगर आउट कर सके कि हमारा यूपीएससी जो प्रीलिम्स के एग्जाम के जीएस फर्स्ट पेपर में क्या पूछता है, कहाँ तक पूछता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये दिया, आपको ये ना पता है कि कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है और कितना पढ़ना है, यदि आपको ये नहीं पता, तो ये मान के चलिए आपका प्रीलिम्स में ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो मेंस क्या देंगे। मेंस के सिलेबस को एलाब्रेट किया है यूपीएससी ने, और ये जानिए कि आपको प्रीलिम्स का जो पेपर होता है और मेंस के जो पेपर का, लगभग मेंस का सिलेबस 60% आप प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स से ही यदि आप मेंस के अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर जिसका मेंस अच्छा नहीं होता, इसलिए उसका प्रीलिम्स रुक जाता है, वो प्रीलिम्स में फेल हो जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो प्रीलिम्स का हिस्ट्री, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये इस पे हम, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट्स सेकंड पार्ट, इस पे हम बात करेंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया द वर्ल्ड, इस पे बात करेंगे। ये दोनों बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन ये पूरा पीपीटी जो बना हुआ है ये हिंदी मीडियम में बना हुआ, सॉरी इंग्लिश मीडियम में बनाए हैं, तो हिंदी में मैं इसको एलाबरेट कर रहा हूँ। ओके, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, ये जो पार्ट है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिस्टिट्यूट्स एक्सेट्रा, इस पर नेक्स्ट वीडियो में। और जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, उसका वीडियो को। अभी हम ऊपर के जो 3 सेक्शन है इस पर हम कोशिश करेंगे एक फर्स्ट पार्ट में पूरा कवर करने की कोशिश करूँ, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करते हुए बताते चलता चल रहा हूँ। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर को, जब ये सारे सीरीज खत्म होगा सिलेबस का, फिर प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे और एलिमिनेट कैसे करते हैं वो सब सिखाएंगे, आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में। फिर मेंस के पेपर में हम बात करेंगे, मेंस का कैसे सिलेबस है, आंसर राइटिंग कैसा है, मेंस कैसे आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है मेंस के आंसर राइटिंग लिखने में, फ्रेम कैसे करते हैं, यदि आपको फ्रेम करना आ गया तो फिर आंसर राइटिंग आप चुटकियों में लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेम करना मैं सिखा दूंगा आपको, लिखना कम से कम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसा है, सब सारे सारे हर एक होलिस्टिक वे में हम बात करेंगे, ठीक
चलिए नेक्स्ट, देन करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये इस पे बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स लाइक आपका फॉरेन पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएन की संस्था जो एजेंसियाँ हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से मतलब ये है मेरा कि जो भारत अन्य देशों से रिलेशन कैसा है, किस देश अमेरिका से या यूरोप कंट्रियों से या उनके पड़ोसी देशों से किस तरह के भारत का रिलेशन है, तो इन पे हम बात करेंगे। यहाँ से जो करंट के इशू आते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन की जो एजेंसियाँ हैं, WTO है, IMF है, इस तरह के जो इनसे करेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो हम यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरह यहाँ से कोई अगर कोई चेंजेज आए, WTO में कोई चेंजेज आए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे सब्सिडी वगैरह है, तो उस इस तरह की चीज़ें जब न्यूज में रहती है 1-2 साल से, तो ये यहाँ से आपको UPSC प्रीलिम्स में और मेंस में खास करके क्वेश्चन तो आता ही है, प्रीलिम्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट से और प्लस फंडामेंटल से दोनों से मिक्स करके एक ये कहूँ कि सामंजस्य करके वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ट्रीटी जो होते हैं इंटरनेशनल और तौर पर जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ट्रीटी हो गई है या ट्रेड से रिलेटेड कोई है या किसी देश से एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल यूएन की संस्थाओं द्वारा आता है जैसे ILO के हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनसे रिलेटेड कोई अगर रिपोर्ट्स आती है इनके, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है करंट इंटरनेशनल करंट UPSC प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर करंट इशू जो होते हैं कि हिस्ट्री में मान लेते हैं कोई प्लेसेस है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है और वहाँ पे कोई इवेंट हुआ है या कोई समारोह वगैरह किस तरह की चीज़ हो रही है, तो ये सब प्लेसेस वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है, या कोई फंक्शन या कोई डांस या कुछ भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो इस साल मतलब 1-2 साल में जिस साल आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं 21-22 में, अगर उस ईयर के आसपास कोई इवेंट घटित हुआ है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेसेस हो गया, फेस्टिवल हो गया, ठीक है, आप पेंटिंग वगैरह डांस वगैरह एक्सेट्रा चीज़ें आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप जियोग्राफी, जियोग्राफी में अगर हम बात करें करंट इशू जो होता है, रिसेंटली मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी, साइक्लोन, इस तरह का मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पर अगर वो ज़्यादा हाईलाइटेड कोई प्लेस हो गया है तो उसको मैपिंग के तौर पर UPSC क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई गतिविधि या इस तरह की एक्टिविटी हुई है तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर से अगर कोई करेंट इशू आता है जैसे उसके फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरिंग पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सेक्टर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, SLR वगैरह हो गया, तो इस पे अगर कोई चेंजेस होता है RBI द्वारा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी की बात करूँ तो इसमें अगर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करता है, ठीक है, तो चेंज कर रही है, तो फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, रिपोर्ट्स जो भारत सरकार द्वारा, नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट्स वगैरह जारी की जाती है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने का, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको जो इको सर्वे होता है वहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, टर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोल्टी की बात करूँ, पोल्टी में अगर स्कीम कोई या कोई संशोधन हुआ है कि अमेंडमेंट्स हुआ है, कोई एक्ट बना हुआ है, तो पोल्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये प्रीलिम्स में, वो खास करके आप करेंट इशू होते हैं कि बायोडायवर्सिटी की बात करूँ या तो क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN की बात करूँ, इस तरह की जो संस्थाएँ होती हैं, तो इनसे कोई अगर कुछ रिपोर्ट्स जारी होती हैं या कुछ नया चेंजेस एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होता है, तो हम जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ से इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं इंटरनेशनल या क्लाइमेट चेंज से उसके चेंज को रोकथाम के लिए, तो ऐसी घटनाएं UPSC प्रीलिम्स के लिए बेहद बेहद
इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है आपको। और ये अगर करंट इशू के लिए हम बात करें तो आपको जो खास करके अगर कोई न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, द हिंदू ये कवर करता है अच्छा खासा, आप वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं करंट इशू नेशनल इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंस जितने भी इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं आप हम आपको ये पूरा डिटेल में एक एक वीडियो जब हमने हमारा लालचंद सर आपको करंट से रिलेटेड पर डे वो अपडेट कराएंगे आपको, हर घटनाएं वगैरह किस तरह से हैं कैसे हैं और कहाँ पे इसके आप रिलेवेंस है कि ये मेंस में किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पर डे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस में आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री जो यूपीएससी ने दिया है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मोमेंट, इतने से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप क्या जानकारी चाहिए आपको, कितना आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, क्या कौन से चीज़ें पढ़ के जाऊँ जहाँ से मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को टैकल कर सकूँ, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो हम जैसे हमारा क्या है कि हिस्ट्री का जो हम ये सिलेबस बनाए हैं वो अगर यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको रुकेंगे नहीं, आराम से आप टैकल कर जाएंगे और बिल्कुल आसानी इजीली तरीके से। तो हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं तो एशियन हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, ठीक है। एशियन से बिल्कुल बहुत नामात्र क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और जो बन रहे हैं वो खास करके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। आप कुछ चैप्टर में बता दूंगा एशियन से, अगर वो पढ़ लेते हैं तो अगर क्वेश्चन भी यूपीएससी अगर पूछ रहा है तो वहाँ से उससे बाहर नहीं जा रहा है। और मेडाइवल से भी बहुत रेयर में क्वेश्चन बन रहे हैं, मेडाइवल का जो आर्ट एंड कल्चर है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं। और कुछ है हम बता देंगे चैप्टर, उसको अगर आप उतना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अवेयर रहेंगे तो आप बहुत आसानी क्वेश्चन आता है वहाँ से आप टैकल कर सकते हैं मेडाइवल के। मॉडर्न से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं और इनकी संख्या भी ज़्यादा है, मेजॉरिटी भी ठीक है मॉडर्न से, तो मॉडर्न के लिए हम पूरे सिलेबस डिस्क्राइब और एलाब्रेट किए हैं, उतना अगर पढ़ लेते हैं तो मॉडर्न की एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये जैसे प्रीलिम्स हो गया, और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की बात करूँ तो मेंस का जो फर्स्ट पेपर है, मेंस का जो फर्स्ट पेपर है लगभग 70% जो सिलेबस है मीन्स फर्स्ट पेपर का वो प्रीलिम्स में, लगभग 70% प्रीलिम्स में आता है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि आप हिस्ट्री देखते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हिस्ट्री ज्योग्राफी, लगभग 70% आपके प्रीलिम्स में कवर कर जाता है, 60 से 70%। तो आप फर्स्ट पेपर आपका मजबूत है और आप अच्छे से कवर किए हैं मीन्स का, तो ये मान के चलिए प्रीलिम्स में आपकी 60 से 70% क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर जाएंगे, 60% तो आराम से अगर पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं और फर्स्ट पेपर को। सेकंड पेपर की बात करूँ उसमें भी आपको 30 से 35 40% मान के लिए आपका प्रीलिम्स में टैकल करता है, थर्ड का भी 30 40% आसपास मान के चलिए, ठीक है। बाकी फोर्थ का तो बहुत रिलेवेंस नहीं होता फर्स्ट पेपर में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो हमें फर्स्ट पेपर से अगर आप कवर करते हैं। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए जैसे हड़प्पा आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन में अब जितनी साइट्स हैं उनकी, जो जैसे लोथल हो गया, कोई भी कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन साइटों से इनसे जो मिले हुए हैं कोई कंपोनेंट्स वगैरह या किसी प्रकार की जो वस्तुएं मिली हुई हैं, ठीक है, तो जैसे उनकी सड़कें किस तरह से, उनके रहने के जो स्थान कैसे थे, उनके तो क्या क्या यूज करते थे, उनके पोटरी वगैरह किस तरह की थी, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये आप देख सकते हैं, अगर इतना आप कर सकते हैं तो फिर पूरे पूरे मतलब कवर हो जाता है ये हड़प्पा आर्किटेक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या देखते हैं, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के टेम्पल बनाने की जो विधियाँ हैं, मेथड है, मान लीजिए तो ये जैसे वहाँ आपको देखे होंगे कई शैलियाँ हैं फेमस है टेम्पल बनाने के, मथुरा शैली है आपका, इसके बाद फिर उधर द्रविड़ शैली के
ये सब शैलियाँ हैं। तो इस पे आपका किस तरह का, जैसे यहाँ पे आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट इंडियन आर्किटेक्चर में किस तरह हुआ है, तो आप ये सब सारे आपको क्यों आर्किटेक्चर जो गुफाएं होती हैं ये आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, और मेडाइवल में आर्किटेक्चर जो बनाए हुए हैं, जो जैसे सल्तनत कालीन के प्लस आपका मुगल कालीन में जो कुछ आर्किटेक्चर है शाहजहाँ के समय और अकबर के समय आप देख सकते हैं, ठीक है। हम जो हमारा वीडियो आएगा तो इस पर हम पूरा फोकस करेंगे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो कंपनियां हैं वो आई थी भारत में, तो उनका क्या आर्किटेक्चर था ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जो पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं गुफाएँ वगैरह, ठीक है। कॉलोनियन आर्किटेक्चर वही कंपनी द्वारा जो बनाए गए हैं कुछ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि एशियंट जो रिलीजन्स थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये आप कवर कर लेना, कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग एक या दो क्वेश्चन जरूरी प्रीलिम्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन पेंटिंग, ठीक है। तो आप इंडियन पेंटिंग देख सकते हैं, आप क्लासिकल डांस देख सकते हैं जो कथक है भरतनाट्यम वगैरह इस तरह के जो हमारे क्लासिकल डांस है, फोक डांस देख सकते हैं आप, गिद्धा वगैरह जो हो सकता है होता है द्रव, और इस तरह के जो फोक डांस होते हैं। क्लासिकल म्यूजिक आपका नाटक संगीत देख सकते हैं आप, इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत वगैरह, पोपेट्री देख सकते हैं आप, इसके बाद पोट्री वगैरह जो है आप तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ड्रामा थिएटर वगैरह, तो मार्शल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और एशियंट हिस्ट्री की बात करूँ तो आप प्री हिस्ट्री चीज़ें थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, कि जो इम्पोर्टेंट है कुछ प्लेसेज हैं, और कभी कभी फिल्म्स में पूछ क्वेश्चन बन जाते हैं एज ए चॉइस, मतलब पेयर के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन से आप थोड़ा बहुत उसके जो सोसाइटी है और इकोनॉमिक्स कैसे किस तरह की थी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वहाँ के साइट्स जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा है ये सब आप यहाँ से कवर कर सकते हैं इसके साइट्स वगैरह। तो जनरली अगर क्वेश्चन पूछेगा इंडस से तो बहुत रेयर में पूछता है कि साइट्स वगैरह से पूछ लेता है, लोथल कालीबंगा वगैरह से, ठीक है, चनोदड़ो वगैरह, ठीक है। वैदिक जो वैदिक इंडिया है तो वहाँ से ऋग्वैदिक वगैरह से उत्तर वैदिक काल से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, इसके सामाजिक आर्थिक क्या विशेषता थी, फीचर्स वगैरह क्या थे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर एशियन से दिखते हैं तो ज़्यादा नहीं, मौर्य से आप देख सकते हैं कुछ अशोक से रिलेटेड जो उनके कुछ पिलर्स वगैरह बनाए गए थे, उनकी शासन व्यवस्था, उनके जो शिलालेख वगैरह है देख सकते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, ठीक है। और गुप्ता पीरियड्स में आप देख सकते हैं मंदिर वगैरह की जो शैलियाँ वगैरह है यहाँ से रिलेटेड, कुछ थोड़ा बहुत जो हुड वगैरह अटैक किए थे गुप्ता पीरियड में तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चोलाज इम्पोर्टेंट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लस इसका जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उसको देख सकते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देख सकते हैं, इनकी कुछ मंदिर शैलियाँ देख सकते हैं चोलाज की, आप इसके कुछ राजा अच्छे राजेंद्र चोल राजराज चोल यहाँ पे देख सकते हैं। और एशियन में आप अगर देखना चाहते हैं तो चालुक्य के देख सकते हैं, वहाँ पे राष्ट्रकूटा के भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, हर्षा के पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो इतने से आपका काम चल जाएगा प्रीलिम्स में। और हम मेडाइवल की बात करें तो आप विजयनगर किंगडम की थोड़ा बहुत आप झलक देख सकते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है, विजयनगर। और दिल्ली जो आपका दिल्ली सुल्तान वगैरह की सल्तनत काल थी, तो वहाँ पे जैसे आप गोरी देखे होंगे और गजनवी वगैरह का, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर दोसी जो कुछ लेखक थे उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, अलबरूनी वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, बलबन वगैरह इस तरह के, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे काफ़ी बड़े शासक थे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्लेन पे चांसेस रहते हैं थोड़े बहुत इनकी नीतियों से रिलेटेड, ठीक है। और मुगल एम्पायर में आप देख सकते हैं तो अकबर जबरदस्त शासक थे, उनके बारे में,
इनकी राजनीतिक पॉलिसी कैसी थी, इनकी जो अब इनकी जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल किस तरह से इनकी नीतियाँ थी, तो आप देख सकते हैं। और शाहजहाँ, जहांगीर, चित्रकारी वगैरह इनकी, और ख़ास करके यहाँ से मुग़ल वगैरह के और ये इस सब सल्तनत काल वगैरह से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर वगैरह से क्वेश्चन, पेंटिंग से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत जानकारी रहेगी तो यदि क्वेश्चन एक दो पूछता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बड़ा आसान क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन एज्यूम द इम्पोर्टेंस इन ए मेडाइवल इंडिया इंडियन हिस्ट्री। तो जो यूरोपियंस भारत में मेडाइवल हिस्ट्री के, मेडाइवल के समय, मध्यकालीन के समय, भारतीय मध्यकालीन के समय क्या इनका इम्पोर्टेंस था, किस तरह ये आए थे, तो आप इसको तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे डच आए थे या पुर्तगाल आए थे, ये सब सारे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री पे देखते हैं, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के समय खास करके आप उसकी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, आप जो पीपल की किस तरह की थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, जो यूरोपीय कुछ कंपनियाँ भारत में आए थे, और जो जैसे पुर्तगाल हो गई, आपका डच हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटिश काफ़ी सालों तक, 200 सालों तक उन्हीं के हम ज़्यादा करके फोकस करें, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया, किस तरह से भारत को जीता ब्रिटिश कंपनियों ने और कैसे ब्रिटिश का राज हुआ, सारे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी, किस तरह की थी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चर, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा उनकी पॉलिसियों पर, ये सब आप देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी बुक काफ़ी कवर किया हुआ, अगर आप पुरानी और नई नई एनसीईआरटी हिस्ट्री के पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी जो कुछ अगर बचता है तो आप स्पेक्ट्रम की बुक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, सोशल कल्चर और रिफॉर्म्स मूवमेंट्स वगैरह जो है, ये आपको बिल्कुल जो जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। और अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश प्री 1857 से पहले चीज़ें जो भारत में हुई थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1857 का रिवोल्ट देख सकते हैं। ठीक है, इनका क्या 1857 के जो पॉलिटिकल व्यू क्या थे, क्यों रिवोल्ट हुआ, क्यों विद्रोह हुआ, और इसके सैनिक क्या रोल थे, और सामाजिक क्या था, आर्थिक क्या था, तो आप ये 1857 के यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। ठीक, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, 1858 से 1905 समय इसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, किस तरह के कंट्री को यूनिफिकेशन किया गया 1858 से 1905 के बीच में, आप देख सकते हैं। ठीक, इनका क्या इम्पैक्ट था, क्या नीतियाँ थी ब्रिटिश का। तो नेक्स्ट है कि रोल ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, जो जितनी भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई या जितनी भी कमेटी बनाई गई थी, वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट भारत पे किस तरह पड़ा। ठीक है, चाहे आपका कोई भी हो, चालसूट का बात करो, वहाँ वो एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, 1956 के, सॉरी 56 के, 55-54 के आसपास बनाई गई थी, 56 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, और रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का क्या रोल था, पत्रकार वगैरह का और न्यूज़पेपर वगैरह का किस तरह का रोल था, तो आप देख सकते, कौन से किसको बैन करने के लिए ब्रिटिश का क्या रूल एंड रेगुलेशन था, प्रेस को किस तरह से वो रेगुलेट करती थी, आप देख सकते हैं बहुत सारे। ठीक, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से। ठीक है, और री डिस्कवरी ऑफ द इंडिया पास्ट। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप इंडिया जो पहले की कुछ घटनाएं हैं उसको देख सकते हैं। ठीक, अर्ली पॉलिटिकल मोमेंट्स, कुछ पहले पॉलिटिकल मोमेंट्स हुए थे जो INS से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, वो आप वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इरा ऑफ मॉडरेट
जो मॉडरेट्स थे उनकी जो करीब क्या रोल्स थे, ब्रिटिश के प्रति कैसे थे, भारत में किस तरह से वो काम करते थे, आईएनएस के प्रति क्या काम था उनका, तो आईएनएस में कैसे उनका काम कर रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट्स नेशनलिज्म एंड द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, जो 1905 1918 के बीच में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी, और उसमें क्या क्या कैसे भारत में ब्रिटिश के प्रति, ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए या उनसे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट्स जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सूरत स्प्लिट भी देख सकते हैं, सूरत जो विभाजन हुआ था, ठीक है, जिसमें कांग्रेसी के कुछ डिवाइड हुए थे, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्या था वो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम वगैरह में मिल जाती है चीज़ें, ठीक है। मार्लियामेंटो सुधार आप देख सकते हैं 1909 में क्या किस तरह का हुआ था। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म आप देख सकते हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी किस तरह से बढ़ रही थी, आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1919 से 1939 तक जो मास नेशनलिज्म था क्या था, किस तरह के थे, महात्मा गांधी का रोल क्या था, उनके आइडिया विचार उनके क्या थे, महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इनके आंदोलन थे, सत्याग्रह थे, सारे आप कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और आता है, बराबर आता है, प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर आप जब पेपर देखेंगे तो आपको गांधी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एंड मॉन्टेस्क्यू चेंसफोर्ड सुधार जो हुआ था आप ये भी देख सकते हैं, एंड रोलैक्ट एक्ट देख सकते हैं, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग जो एक नरसंहार हुआ था, मैसेक्रे हुआ था, उसको आप देखते हैं। नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट देख सकते हैं आप, खिलाफत मूवमेंट देख सकते हैं, ये मोर मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो स्वराज पार्टी थी बनाई गई थी, ठीक है, और नो चेंजर वगैरह थे, क्या इनका रोल था ये देख सकते हैं। इमरजेंस आप न्यू फोर्सेस थे, सोशलिस्ट आइडियाज, यूथ वगैरह, ये सब आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी देख सकते हैं, क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं, भगत सिंह वगैरह, ठीक है, चंद्रशेखर वगैरह, ये इन सब के आज़ाद के बारे में पढ़ सकते हैं, और जो क्रांतिकारी कुछ गतिविधियाँ हुई थी उस पर आप अच्छे से फोकस। नेक्स्ट है साइमन कमीशन, आप इसको नेहरू रिपोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप देख सकते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, कम्युनल अवार्ड्स जितने हुए, मतलब राउंड टेबल अवार्ड्स कॉन्फ्रेंस जितने हुए आप देख सकते हैं, कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, सेंट्रल लेजिस्लेचर आप देख सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1934 में जो एक इलेक्शन कराया गया, थोड़े बहुत तो उसको प्रोविंशियल असेंबली के कैसे निर्माण हुआ था ये देख सकते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मोर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, देख सकते हैं। एंड टूवर्ड्स द फ्रीडम पार्टीशन 1939-1947 के बीच में, ठीक है। आप नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड के समय क्या गतिविधियाँ थी, भारत को कैसे इन्वॉल्व किया गया, भारत में क्या क्या हो रहा था, तो ये सब सारी चीज़ें उसके कंटेम्प्रेरी वे से पढ़ सकते हैं, ये मेंस का चैप्टर है, हालांकि आप फिल्म्स में भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत। अगस्त ऑफर जो था, अगस्त प्रस्ताव, ये देख सकते हैं। और इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और बनने का चांसेस है फिल्म्स में। ग्रोथ था कम्युनलिज्म और एक इसका कम्युनिस्ट वगैरह का क्या किस प्रकार ग्रोथ था ये देख सकते हैं, इस समय पेजेंट्स मूवमेंट से देख सकते हैं, स्टेट पीपल्स स्ट्रगल देख सकते हैं, क्रिप्स मिशन देख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेबल प्लान देख सकते हैं, यानी ये INA और सुभाष चंद्र बोस क्या क्या रोल था, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ सकते हैं, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव क्या था, कैसे भारत को और पाकिस्तान अलग हुए, ये सब सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनलिस्ट अपसर्ग पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड, ये चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंस विद द पार्टीशन, जो स्वतंत्र अलग अलग देश बनाए गए स्वतंत्रता के क्या था आप देख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस पे हम बात करते हैं। तो आप इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ की कैसे ओरिजिन हुई, उद्भव हुआ किस तरह से, आप ये देख सकते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिनेंट्स एंड ओशंस, किस तरह से महाद्वीप बने हुए हैं, ओशंस कैसे बने हैं, आप कुछ थ्योरियाँ भी आप देख सकते हैं, वेगनार वगैरह थ्योरी जो थी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये से आपका बिना फंडामेंटल से कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स वगैरह, वोल्केनो के बारे में आप पढ़ सकते हैं, और रॉक्स रॉक साइकिल भी पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जियोमॉर्फिक मॉर्फिक प्रोसेसेस, इंडोजेनिक एंड एक्जोजेनिक प्रोसेस जो होता है, ठीक है, जो इंडोजेनिक फोर्स होते हैं, एक्जोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं एंड देयर इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल सर्कल आप देख सकते हैं, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ओशन फ्लोर कॉन्फिगुरेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस, जो टेम्परेचर ओशन का जो टेम्परेचर कैसे कहाँ तक बढ़ता है घटता है, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड मूवमेंट्स ऑफ द ओशन में जो धाराएं हैं, टाइड्स हैं वगैरह, करेंट्स हैं, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस और कई सारे हैं। रीजन क्या होता है करेंट्स के बनने का, करेंट्स कितने प्रकार होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो भी मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक। कोई ऐसा नहीं है कि जो, क्योंकि यहाँ से पूछने के चांसेस है, यदि आप इतना कवर कर लेते हैं प्रीलिम्स में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँ, यहाँ पे अर्थ के जो एटमॉस्फियर हैं उसके कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और सोलर रेडिएशन देख सकते हैं, हीट बजट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट्स वगैरह, आप विंड वगैरह देख सकते हैं, विंड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चलती हैं, आप यहाँ पे मास एयर मासेज वगैरह देख सकते हैं, फ्रंटल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें। और सॉइल जियोग्राफिक बात करूँ, सॉइल का कंटेंट्स कैसा है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, आप वेदरिंग इरोजन प्रोसेस जो आप आगे पढ़े थे वहाँ पे एक्जोजेनिक फोर्सेस के, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स क्या हैं, कितने कारक हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आप सॉइल इरोजन कंजर्वेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अर्थक्विक के बारे में आप अच्छे से डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन में, क्योंकि अर्थक्विक आता रहता है, क्या होते हैं अर्थ, ठीक है, और इसके वेव्स क्या होते हैं, साइडो जोन क्या होता है अर्थक्विक, अर्थक्विक के टाइप कितने होते हैं, ठीक, ये सब आप इसके इफेक्ट्स वगैरह क्या है, किस तरह के, सुनामी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ सुनामी का क्या होता है, काजेस क्या होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ सुनामी क्या होते हैं, मिटिगेशन मिटिगेटिंग के लिए, ठीक। एंड वेल आप देख सकते हैं वल्केनोज, ये टाइप्स ऑफ वल्केनोज कितने प्रकार का है, वल्केनो, ठीक है, और काजेस क्या होते हैं, ठीक है, और इसके लैंड फॉर्म किस तरह से वल्केनी वल्केनो के द्वारा होता है, ठीक है। साइक्लोन आप ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, ये सब आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आज हम ये फर्स्ट वीडियो में बस यहाँ तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी वगैरह और इंडियन पॉलिटी वगैरह पूरे काफ़ी ज़्यादा हम 3 वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे जीएस फर्स्ट पेपर के, ठीक है, टोटल, ठीक। आज यहीं तक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी फिर पॉलिटिकल वगैरह सारे अलग अलग सेक्शन के बात करेंगे, ठीक है। और यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, आपको वो सब सारी चीज़ें सिखा देंगे जो आप बड़े से बड़े कोचिंगों में पैसे देकर नहीं सीख सकते, ठीक है। आपको IAS यहाँ से आप कभी कभी सफलता असफलता आपको देखने को मिलती है, तो हमें हमारी कोशिश रहेगी आपको सफल बनाना।
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराना, सही गाइडेंस प्रोवाइड कराना। जो दूर बहुत सारे मुझे DM आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कोचिंग नहीं कर सकते हैं, हम कैसे तैयारी करें, हमें IAS बनना है, मुझे कुछ भी करना पड़े कर। जो उनसे नहीं होता दोस्त, स्मार्ट वर्क होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। UPSC एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है और ना बहुत ईजी, मैं बोल सकता हूँ। बस इसका एक तरीका है, यदि आप सही से पढ़ते हैं, सही गाइडेंस से पढ़ते हैं, आप श्योर 100% IAS बन सकते हैं। ठीक है, अब कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़िए, और आपको मैं सारे सिखा दूंगा कैसे आपको मेंस का आंसर राइटिंग करना है। आप चुटकियों में मेंस का आंसर राइटिंग कर लेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग ही मेन होता है। अगर आपके कम नॉलेज में भी आप आंसर राइटिंग अच्छे कर सकते हैं, वो मल्टी लैंग्वेज अप्रोच होता है, कैसे करना है वो हम सिखा दें। फ्रेम करना कैसे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, सारे में हमारी एक सीरीज चली गई है, फर्स्ट वीडियो का सीरीज ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसका प्रीलिम्स का GS फर्स्ट पेपर का ख़त्म करने के लिए, अगर नहीं ख़त्म होता तो एक वीडियो मेरा और आएगा, 3 वीडियो GS फर्स्ट का आएगा। फिर हम नेक्स्ट मीन्स के वीडियो बनाएंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, सारे पे, और पूरा एक्सप्लेन करके। और आप यदि आप इतना प्रीलिम्स जो ये वीडियो जो सिलेबस बता रहा हूँ 2021-22 देने वाला प्रीलिम्स के, कोई भी व्यक्ति इतना पढ़ लेता है, तैयार कर लेता है, तो इससे बाहर नहीं आएगा। प्रीलिम्स आपका आसान से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, कहीं एक्सप्लेन इतना अच्छा नहीं मिलेगा, ना कोई कोचिंग वाला, कुछ नहीं। ये बहुत मेहनत से, कई सालों का मेहनत है, और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से बेस पे हम बता रहा हूँ कि आपको इतने अच्छे से कवर किया हूँ, एलाबरेट किया हूँ प्रीलिम्स के सिलेबस को। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जरूरतमंद नीडेड व्यक्ति तक पहुँचाइए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। ठीक है।